सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि वो डीजे सालुक पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे
कि जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो, आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं, आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, यह अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा, आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी। शरद पवार जी, सभापति महोदय, आज का दिन कई सालों से हमारे साथ और सहयोग देने वाले साथी मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह मनहास, नजीर अहमद जावेद एंड गुलाम नबी आजाद, इन सदस्यों का सदन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये साथी जम्मू कश्मीर से आते हैं और आज देश के जिस राज्य के बारे में हम सब चिंतित हैं, वहां से आने वाले और यहाँ आने के बाद हमेशा उस क्षेत्र का और उज्ज्वल भारतवर्ष का रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा, इस पर ध्यान देने वाले चारों सदस्य थे। गुलाम नबी आजाद जिनके साथ काम करने का मौका मुझे कई सालों